हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हमने बताई थी उरेबी गरारे सरारे की कटिंग, और आज हम बताने वाले हैं स्ट्रीचिंग। तो जिसने भी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप कटिंग की वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगी कि हम स्ट्रीचिंग कैसे करेंगे। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाई है वो वाली वीडियो में, तो आप देखिए एक बार जरूर, तभी आपको ये समझ में आएगी आज की वीडियो। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो एक बार चेक कर लिए उसको। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम म्यानी जोड़ेंगे इसमें, तो एक पार्ट को उठा के अलग कर देंगे और एक पार्ट को इस प्रकार से फैला लेंगे पूरा। और ये हमारे पास दो म्यानी है, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल नीचे से यहां से इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे, ये ऐसे लेके जाएंगे। और सेम इसी प्रकार से हम इसको भी जोड़ेंगे इस प्रकार से, और फिर इसको पलट के इसके ऊपर एक टॉप सिलाई भी लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से दोनों म्यानी मैंने अटैच कर ली हैं और टॉप सिलाई भी इसके ऊपर लगा दी है। अब हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट लेना है इस प्रकार से, और इसको इसके साथ में ऐसे अटैच कर देंगे म्यानी के साथ में। तो देखिए मैंने ऊपर वाला पार्ट जो ज्वाइंट किया है, ये देखिए, तो मैंने 1 इंच पे यहाँ पे सिलाई लगाई, फिर 1 इंच यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि ये हमारा बेल्ट फोल्ड होगा तो ऊपर फिर वो नाड़ा डालने के लिए चाहिएगा। फिर हमने नीचे से सिलाई शुरू की और पूरे में लगा दी है। अब देखिए हमें क्या करना है, जब हम इसको पलटेंगे टॉप सिलाई लगाने के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखें, जो इसका जो फेस है अंदर की साइड है इस प्रकार से इस म्यानी का, तो इधर से भी फेस इसका अंदर की साइड होना चाहिए ऐसे। फिर हम इसके ऊपर एक टॉप सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिर्फ म्यानी के ऊपर हमने टॉप सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अब इसको यहां से नेफे की साइड से पलट लेना है और इन दोनों को इस प्रकार से यहां तक सिलाई लगानी है, एक इधर लगानी है और एक इधर लगानी है। अब देखिए मैंने दोनों सिलाइयां लगा ली है दोनों साइड। अब हम इसको यहां से एक बार फोल्ड करेंगे, आधा इंच कपड़ा दबा देंगे और दूसरा फोल्ड हम इस प्रकार से करेंगे ये, और अब इस पे सिलाई लगा देंगे और पूरे को हम सील लेंगे इसी प्रकार से। हमने इसका नेफा मोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, नीचे से हमने 2 इंच मार्जिन रखा था, जितनी हमारी ये थाई है यहाँ पर है, तो देखिए 12.5 इंच पे मेरे इसमें मार्क हो गया है। और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे यहां से इस प्रकार से, इस पूरे में जो हमने दामन के लिए कलियां कट की थी उनको इस प्रकार से अब ज्वाइंट कर लेंगे। पहले एक को बिछाएंगे और दूसरी को इस प्रकार से, देखिए ये देखिए। अब क्या करना है, जो सीधी साइड है वो ऊपर रखनी है और इसको यहां से ऐसे पलट देंगे, ठीक है, पलट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, ये देखिए, ये इसको मैंने जोड़ दिया है इस प्रकार से ये। अब हमें ये वाला कॉर्नर जोड़ना है इसका, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा करेंगे इसको पूरा इस प्रकार से सीधा, और ऐसे उठाएंगे इसको और ये ऐसे ऐसे इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो मैंने ये वाली सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसको इक्वल करके ऐसे करके पकड़ेंगे, ये देखिए ऐसे आएगा, ये हमारा एक पैर का जो कलिया है वो तैयार हो गई है। अब हमें इसको जोड़ना कैसे है, इस ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, तो हम सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को ही लेंगे, जो ये यहां पर कॉर्नर है एक्स्ट्रा, इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इससे ये होगा कि ये जो है खिंचाव नहीं आएगा, और कभी आपको लूज भी करना हो इन फ्यूचर तो आपका ये लूज हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करना है, इसको सीधा ऐसे रखना है यहां पर ऐसे सीधा ये कॉर्नर, और आपको क्या करना है, जो ये आपका सिलाई का कॉर्नर आ रहा है इसी कॉर्नर को उठाना है और यहां पर रखना है और इसमें चुन्नटे डालना है। एक कॉर्नर हमारा यहां पर आएगा, दूसरा कॉर्नर है जो हमारा साइड में आएगा। तो मैं बताती हूं मशीन के ऊपर कैसे चुन्नट डालनी है इसमें। तो सबसे पहले इस कॉर्नर को फोल्ड कर देते हैं यहां पर ऐसे, और अब इसको इस प्रकार से फैला लेते हैं,
और जो एक कॉर्नर आ रहा है इस कॉर्नर को इसके ऊपर रखेंगे। अब देखिए हमें जो चुनट बनानी है वो एक इंच की बनानी है, लेकिन बाहर की साइड आधा इंच नजर आनी चाहिए। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मैंने एक इंच की चुनट बनाई, ऐसे आगे की साइड मैंने फेस किया चुनट का, ठीक है। अब हमें ये देखिए आधी चुनट हमें क्या करना है, दबा देना है दूसरी चुनट से, तो अपने आप बाहर की साइड आधी आधी चुनटें आएंगी। और इसी प्रकार से हमें पूरे में पूरे राउंड में ये चुनट बना देनी है। तो देखिए हमारे इसमें ये चुनट बन के तैयार हो गई है और सारी की सारी चुनटें एक इक्वल आई है। देखिए देख रहे हैं इस प्रकार से। तो एक बार मैं दूसरे पैर की ओर डाल लेती हूँ चुनटें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों साइड ये चुनटें भर ली हैं। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए सीधी साइड चुनटें बिल्कुल इक्वल आई हैं। ये देखिए, ये देखिए सारी चुनटें बिल्कुल इक्वल आई हैं दोनों पैर की। जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये एक इंच कपड़ा बढ़ जाता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। आप नीचे से फोल्ड करने से पहले आप एक बार इसको लंबाई का नाप ले लीजिए और फिर आप देखिए इस प्रकार से डबल फोल्ड कीजिए और इसके ऊपर एक किनोर किनोर पे सिलाई चला दीजिए पूरे में। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स बताइएगा जरूर कैसी लगी आज की वीडियो, कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, कितना आसान तरीका था मेरा बताने का समझाने का। कहीं पर आप कंफ्यूज हुए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।